और आते आते सातवें चरण में गठबंधन के साथ जनता का पूरा गठबंधन हो जाएगा। इनके खाते नहीं खुलेंगे सातवें चरण में। जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, बताओ उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? उनके नेताओं की गाड़ी से झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? और अब तो सुनने में आ रहा है बीजेपी के नेताओं ने अपने घरों से भी झंडे उतार दिए, और जिन्हें हार का डर है, जिन्हें सबसे ज्यादा हार का डर है, वो बताओ बनारस पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? इस बार न केवल जौनपुर बल्कि बनारस से लेकर के आजमगढ़, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और गाजीपुर के लोग इनका खाता नहीं खुलने देने वाले। आपने इनके भाषण सुने होंगे, इनके नेताओं के, इनके नेता पूरे देश के यूपी में आ गए। बताओ यूपी में आ गए कि नहीं आ गए? और जब इनका भाषण सुनोगे तो पाओगे कि इनसे बड़ा कोई झूठ नहीं बोल सकता। कहने को तो बीजेपी वाले कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके नेताओं के भाषण सुनोगे तो आप अपने आप आकलन कर लोगे कि दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इनके छोटे नेताओं के भाषण, इनके छोटे नेताओं के भाषण सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और बड़े नेता का भाषण सुनोगे तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इन्होंने कहा कि हम अपने किसानों की 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। जब पिछली बार इन्हें वोट चाहिए था और जब वोट मांगने आए थे तब सबको फ्री सिलेंडर दिया था, याद है कि नहीं याद है? जब लोकसभा का पिछली बार वोट मांगने आए थे तो बताओ सिलेंडर फ्री दिए थे कि नहीं दिए थे? और अब जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है? पहले 400 रुपए थी, आज 1000 हो गई कि नहीं हो गई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, ये सरकार में दोबारा आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए लीटर। जब किसानों को खाद चाहिए थी, बताओ ये किसानों को खाद दे पाए? डीएपी चाहिए थी तो डीएपी दे पाए क्या? और जब आपने खाद की बोरी को देखा होगा तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और अगर ये दोबारा सत्ता में आ गए तो अभी तो 5 किलो की चोरी कर रहे हैं, फिर ये 10 किलो की चोरी करेंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? इनके नेता जो कह रहे थे क्या गर्मी निकाल देंगे, बताओ उनके नेता ठंडे पड़ चुके हैं कि नहीं पड़ चुके? हम उन गर्मी निकालने वालों को कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार आएगी
तो अपने नौजवानों के लिए फौज में भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल फौज में बल्कि पुलिस में भी नौकरी निकालने का काम समाजवादी में होगा। हमारे ये पढ़े लिखे नौजवान जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार में सबसे ज्यादा नौकरियां कहीं खाली हैं तो हमारे शिक्षा विभाग में, और हमारे बुजुर्ग और गांव के लोग जो यहां आए हैं वो जानते होंगे कि पिछले 3 साल में बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई कि नहीं हो गई। आज 11 लाख पद खाली हैं सरकार के। हमारे बाबा मुख्यमंत्री पता नहीं क्या करते रहे, 11 लाख पद नहीं भर पाए।